students now we are going to see the third type of literature review which is called meta-analysis meta-analysis is entirely different from the systematic literature review and scoping review let's see how it is different from both type of uh, reviews meta-analysis is a method for systematically combining pertinent qualitative and quantitative study data From several selected studies to develop a single conclusion that has greater statistical power. Uh, Meta-analysis uh, किस तरह मुख्तलिफ है uh, systematic literature review, or scoping review mein से क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम जो different हमारी studies already conducted हो चुकी होती हैं उसमें जो हमने qualitative और quantitative inferences draw कर चुके होते हैं हम उन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनफ्लेंसिस को एक स्टडी में जो है इंटीग्रेट करते हैं और उसको एक स्टडी में इंटीग्रेट करके उनसे एक जर्नल इंफ्रेंस ड्रा करते हैं और हम ये मानते हैं कि उनसे जो इन्फ्लुन्स हम एक कलेक्टिव स्टडी में जो ड्रा कर रहे हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज़ कंपेयर टू ऑल दोज सिंगल स्टडीज

सैम्पल यूनिट्स बढ़ गए हैं और उसमें आपकी मेथोडोलॉजिकल जो एनालिसिस है वो ज़्यादा रिग्रेसनेस आ गई है उसमें तो इन बुनियादों पर हम ये समझते हैं कि ये रिजल्ट्स ज़्यादा वैलिड हैं तो हम मेटा एनालिसिस क्यों करते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं करने के इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू इस्टेब्लिश स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस विद स्टडीज दैट रिजल्ट्स तो यहाँ पे ये यह अगर आप देखें तो जो मेन चीज़ है जिसकी इम्पोर्टेंस है कि मेटा एनालिसिस ऐसी सिचुएशंस में किया जाता है जब आपके पास कन्फ्लिकटिंग uh, रिजल्ट्स आ रहे हों एक uh, या एक जो ब्रांच ऑफ़ स्टडीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को uh, जो है वो सपोर्ट कर रही हो एक्सेप्ट कर रही हो जबकि दूसरी ब्रांच ऑफ स्टडीज़ जो है वो उसको रिजेक्ट कर रही हो या उसको डिसअप्रूव कर रही हो तो ऐसी सिचुएशंस में जो है हम मेटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं ताकि उन सारी जो है स्टडीज़ को एक सिंगल स्टडी में शामिल करके देखें कि रिजल्ट्स क्या बनते हैं टू डेवलप अ मोर करेक्ट एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट मैग्नीट्यूड तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे एनालिसिस जो हैं उसमें हम जो अपना एनालिसिस फॉलो करें वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर कंडक्टेड स्टडीज़ And the third objective of meta analysis is to provide a more complex analysis of harms, safety data, and benefits. Uh, this uh, analysis is more complex uh, as compared to the single handedly conducted studies. And in meta analysis, we try to examine subgroups with individual numbers that are not statistically significant. तो एक सिंगल स्टडी में हो सकता है कि सब ग्रुप के रिजल्ट्स जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना आ रहे हो पर हो सकता है कि वही स्टडी में को जब आप इंक्लूड कर लें मेटा एनालिसिस में तो वो सब ग्रुप जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट बन जाए इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं मेटा एनालिसिस का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि ग्रेटर स्टिस्टिकल पावर मैटा uh, एनालिसिस से जो रिजल्ट्स आप ड्रा करते हैं वो स्टेटिस्टिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनकी जनरलाइजेबिलिटी बेहतर होती है uh, uh, जो मेटा एनालिसिस है वो कन्फर्मेटरी डाटा एनालिसिस होता है यानी उसका इनिशियल प्रिलिमिनरी डाटा एनालिसिस हो चुका हुआ होता है और आप एक तरह से उनको रीअसेस कर रहे हैं और ये एक तरह से कन्फर्म कर रहा होता है पिछले डाटा एनालिसिस को और मेटा एनालिसिस में यू हैव ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सट्रोपोलेट थ्रू जनरल पॉपुलेशन अफेक्टेड यानी आप जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी है आप उसकी जो उसके ऊपर जो हाइपोथेसिस कंडक्ट किए गए हैं उनको देख सकते हैं कि ये सही तरीके से कंडक्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए एंड यू कंसिडर्ड एन एविडेंस बेस्ड रिसोर्स मेटा एनालिसिस जो है क्योंकि उसमें आपके पास मल्टीपल स्टडीज़ के एनालिसिस होते हैं तो दिस इज़ अ मोर रिलायबल एविडेंस फॉर यू अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि ये बड़ा डिफिकल्ट काम है करने को और ये टाइम कंज्यूमिंग uh, काम है टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्टडीज़ कि आप किन स्टडीज़ को मेटा एनालिसिस में आप ऐड करेंगे किन को नहीं ऐड करेंगे तो इट इट नीड्स टाइम तो इसी वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है एंड नॉट ऑल स्टडीज़ प्रोवाइड एडवोकेट डेटा फॉर इंक्लूजन एंड एनालिसिस जब आप मेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ स्टडीज़ होती हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर स्टडीज़ होती हैं कुछ आपकी लोकल स्टडीज़ होती हैं तो दोनों को हम एक लेवल पे नहीं ला सकते और अक्सर होता है कि जो आपकी जो लोकल स्टडीज़ पब्लिश हुई होती हैं वो उनकी स्टेटिस्टिकल Uh, जो रिग्रसनेस नहीं होती तो इसलिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जा हो जाता है कि किन को इंक्लूड करना है और किन को नहीं इंक्लूड करना है और मेटा एनालिसिस करने के लिए यू रिक्वायर एडवांस डिस्टिकल टेक्निक्स इसके लिए आपको सेकेंडरी डाटा एनालिसिस की टेक्निक आनी चाहिए और उसके लिए आपको एक एडवास्ड डिस्टिकल नॉलेज चाहिए और फिर इसमें जो लास्ट पॉइंट है हेट्रोजीनिटी ऑफ स्टडी पॉपोलेशंस यानी एक ही हाई डिफरेंट स्टडी पॉपोलेशन में आ, टेस्ट हुआ होता है कुछ यूरोपियन सोसाइटी होंगी कुछ ईस्टर्न सोसाइटीज़ होंगी कुछ अमेरिकन सोसाइटीज़ में कम्युनिटीज में टेस्ट हुआ होगा तो उनको उन ये जो उनकी कल्चरल वेरिएशन है उसको कंट्रोल करना भी मेटा एनालिसिस में एक मुश्किल काम होता है तो इन तमाम चीज़ों की बेसिस पे आ, हम देख सकते हैं कि मेटा एनालिसिस जो है वो एक साइंटिफिक काम है मगर ये डिफिकल्ट टू परफॉर्म है और इसके लिए आपको सर्टन अमाउंट ऑफ स्किल्स चाहिए टू परफॉर्म द मेटा एनालिसिस